कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोयं नो विदधातु वांछित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः अस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमर्षैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितीर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिं या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं
पद्मासने संस्थिताम् वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा कम्बुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविष्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाद देवी विधिवल्लभा भक्त जिह्वाग्र सदना समाधि गुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलाम भवानीं भवसंताप निर्वापण सुधा नदीं यः कवि त्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वांछति सोभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्राः साहोवाच सरस्वती ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रो पराशरं च व्यासं शुकं गपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकवार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् अनतोऽस्मि सुस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणायं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकं शंकराचार्यं केशवं वादिनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृत्रीणां वर्धत्वाय ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओम कच्यो अथ शब्दस्यो द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ स्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अश्रन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। सृष्टि के आदि में यह वेद भगवान के कंठ को भेदन करके ओम ओंकार के रूप में प्रकट हुआ है। कंठम भित्त्वा विनिर्यातः उत्पत्ति के पहले तो भगवान में समाया हुआ था ये ओंकार। संपूर्ण वेदों का विस्तार इस ओंकार से ही हुआ है। ये ओंकार वेदों का मूल है बीज है। तो उत्पत्ति के पहले इसका नाम परावाणी था क्योंकि परब्रह्म रूप ही था। और ये भगवान की परावाणी जो उत्पन्न हुआ है प्रकट हुआ है ये भगवान को बताने के लिए ही प्रकट हुआ है और कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि भगवान के जानने से ये जीव सर्व दुखों से मृत्यु से छूट जाता है। इसलिए भगवान के बताने के लिए ही और भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम भी है। नाम से ही नामी जाना जाता है। नाम के बिना तो नामी का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का नाम है भगवान के बताने के लिए ही प्रकट हुआ। तो पहले परावाणी के नाम से ये भगवान में समाया हुआ था फिर कंठ में आया
पहले मन में आया, क्योंकि जब बोलने की इच्छा होती है तो पहले मन में ही वाणी आती। जब मन में आया तब इसका नाम पश्यंती पड़ गया। फिर मन से कंठ में, जब कंठ में आया तो इसका नाम मध्यमा पड़ गया। और फिर कंठ से मुख में आया, और मुख से जब बाहर प्रकट होने को हुआ तब इसने बहुत रूप धारण कर लिए। ओम इतना ही था ना, ओम इत्ते का अक्षरम ब्रह्म, ये ब्रह्म का एक अक्षर का नाम है। इस ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म को बताने के लिए सबसे छोटा कोई नाम हो सकता है तो एक ही अक्षर का हो सकता है। तो ओम इत्ते का अक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है, एक ही रूप था। अभी बहुत रूपों में प्रकट होता है जब मुख से बाहर निकलता है। जब कंठ को भेद कर मुख से बाहर निकला तो अकुह विसर्ज निया नाम कंठा आ कु अर्थात अर्थात कवर्ग काखा गाघा ना और हा और विसर्ग आह। देखो ये कंठ से निकल रहे हैं और कहीं इनका संबंध नहीं होता, सीधे कंठ से मुख से बाहर निकल रहे हैं। इतने अक्षरों के रूप में ये प्रकट हुआ, स्वर व्यंजनों के रूप में प्रकट हुआ। आ ये स्वर है, काखा गाघा घा और हा अब विसर्ग, ये व्यंजन है। इतने रूप धर लिया इसने। इची ऐसा नाम तालु, और जब ये तालु को भेद कर बाहर निकला तो ई और चवर्ग चाछा जाझा या और शा इची ऐसा इचु या शा नाम ताल। ये स्वर है और चाछा जाझा या और शा, इतने व्यंजन के रूप में ये प्रकट हो गया। और ऋतु रसा नाम मूर्धा, और जब मूर्धा में ठोकर मार के मुख से बाहर निकला तो इतने रूप धर लिया। री टू टवर्ग टा ठा डाढ़ा और रा और मूर्धन्य शकार, इतने स्वर व्यंजन का रूप धर लिया। और ऋतु लसा नाम दंता, और दांत में ठोकर मार कर जब ये ओंकार बाहर निकलता है तो इतने रूप धर लेता है। ली और ता था दा धा ना ले तो लसा नाम लस और ला और सा, इनका दंत स्थान है। दंत स्थान से जब प्रकट होते हैं तो इतने रूप धर लेता है। औपु पद्मा या निया नाम ओष्ठ, और जब ओष्ठ में ठोकर मार कर निकलता है ये तो ऊ पवर पाफा वाफा माँ औ पद्मा नी, इतने स्वर व्यंजनों का रूप धर लिया। सज्जनों सारे ही स्वर व्यंजन ये ओंकार ने धारण कर लिए मुख से बाहर निकलने पर।
अब इसका नाम वैखरी वाणी पड़ गया, मैंने अभी एक रूप में था बहुत रूपों में बिखर गया, स्वर और व्यंजन सब धर लिया। सारे ही स्वर व्यंजनों को पाणिनि जी ने 14 सूत्रों में गूंथ दिया है, ग्रथित कर दिया है। वो 14 सूत्र ये हैं, व्याकरण में सबसे पहले यही स्वर व्यंजन रूप 14 सूत्र ही आते हैं। अयुण रिलरिक एवं अयौच हैवर्ट लण यमगण नम झभय गढ़धस जब गढ़धस खप छठत चटतव कपय सत्सर हर। व्याकरण में पाणिनि जी ने सबसे पहले ये 14 सूत्र लिखे। अब इन्हीं स्वर इतने रूप स्वर व्यंजनों का रूप धर लिया इसने ओंकार ने। अब इन्हीं स्वर व्यंजनों से पद बनते, सुप्तिगंतम पदम सुबंत और तिगंत को पद कहते। पद एक नाम होते, रामह रामव रामा ये सुबंत है, ये पद है, ये नाम है, परंतु राम कहने से अभी व्यवहार नहीं होता है, कोई वाक्य नहीं बनता है। वाक्य में जब क्रिया जुड़े तब वाक्य बनता है, इसलिए क्रिया का रूप भी यही धारण करता है। पद और क्रिया, जैसे रामह ये सुबंत है और गच्छति ये तिगंत है। रामह गच्छति रामह वदति एक वाक्य बन गया। अब इन्हीं वाक्यों से संसार का व्यवहार होता है। तो सज्जनों, जितने भी संसार भर के नाम हैं और क्रिया हैं, पद बना और वाक्य बना, ये सब ओंकार ने ही धारण किया है। देखो ओंकार का विस्तार। और फिर ये जो स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र के रूप है ना, ये रूपों को भी ओंकार ने ही धारण किया है। सारा संसार नाम और रूप में ही है, तीसरी चीज संसार में है ही नहीं। जो भी हम आप देखते हैं नाम है, और नामों के द्वारा रूपों की पहचान करते हैं। नाम बिना रूप की पहचान नहीं होती। देखिए रूप नाम याद ही नाम। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने। रूप जाने बिना हाथ में हथेली में बहुमूल्य करोड़ रुपये का चाहे हीरा हो, पर यदि हम नाम नहीं जानते हैं तो यह हीरा है ऐसी पहचान नहीं हो सकती। नाम से ही पहचान होती है रूप की। तो नाम और रूप दोनों ओंकार ने ही धारण किए। तो सारे संसार का और सगुण साकार भगवान का रूप नाम रूप, और निर्गुण निराकार भगवान का नाम, ये भी ओंकार ने ही धारण किए। भगवान के नाम से ही भगवान जाना जाता है कि भगवान का क्या स्वरूप। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। क्या निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप, क्या सगुण साकार स्वरूप, नाम ही इन दोनों स्वरूपों को बताता है, दोनों का प्रबोधक है।
भगवान के दोनों रूपों का बोध माने ज्ञान कराता है। तो देखो सज्जनों, ये ओंकार का विस्तार इतना सुना आपने, अब और भी सुनो। ओंकार ने आकार उकार मकार अपने आप को तीन भागों में विभक्त किया, आ उ मा। फिर इन तीन मात्राओं से ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण किया, आकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु और मकार से महेश का रूप धारण कर लिया। और सत्गुण रजोगुण तमोगुण यही आकार उकार मकार से इन तीन गुण का रूप धारण कर लिया। फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थाओं का रूप आकार उकार मकार से धारण कर लिया। आकार से ये जागृत का जगत बन गया और उकार से स्वप्न का जगत बन गया और मकार से सुसुप्ति। जागृत स्वप्न को अपने में लीन कर लेता है मकार, सुसुप्ति में दोनों लीन हो जाते हैं, कार्य और कारण रूप धर लिया। इसी प्रकार से विश्व तेजस प्राग का रूप धारण कर लिया। जागृत का जो प्रकाशक है अभिमानी है उसको विश्व कहते हैं, स्वप्न का प्रकाशक तेजस, सुसुप्ति का प्रकाशक प्राग्ञ कहलाता है। तो विश्व तेजस प्राग्ञ का रूप धारण कर लिया। फिर और जितने त्रिपुटी हैं वो सब ओंकार ने धारण कर लिया, जैसे ज्ञाता ज्ञान गे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ध्याता ध्यान धे, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये ओंकार ने ये सब रूप धारण किए। अब वाणी का जितना विषय है सब ओंकार है। इसी में राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन वराह नृसिंह ये भगवान के सब सगुण साकार रूप भी आ गए। इस प्रकार से और सारा विश्व ब्रह्मांड भी भगवान का ही सगुण साकार रूप है, ओंकार के द्वारा ही प्रकट होता है। ओंकार को ही अव्यक्त कहते, पहले अव्यक्त था, भगवान में समाया हुआ था, फिर भगवान से ही ये व्यक्त हुआ है। इसलिए अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की ये परमात्मा की शक्ति भी कही जाती। तीन गुण वाला है इसलिए त्रिगुणात्मिका कहलाता है। अविद्या भी इसको कहते हैं क्योंकि इसको ज्ञान तो है नहीं, स्वर व्यंजन रूप है। माया भी कहा जाता है, ये कैसा अनेक रूप धर लेता है, ये अद्भुत काम है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति है, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेय सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अद्भुत काम ये ओंकार करता है इसलिए इसका नाम माया भी है। क्षण मात्र भी ये चराचर जगत का रूप धारण कर लेता है इसलिए इसको माया भी कहते हैं। एक रूप था और फिर प्रकृष्ट रूप में अनेक बन गया इसलिए इसको प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृष्ट वाचिका प्रश्य कृतिश्च सृष्टि वाचिका, प्रा और कृति दो पद है। प्रकृष्ट रूप से जो अनेक रूप धारण कर ले वे उसको प्रकृति कहते हैं।
तो इसका नाम प्रकृति भी है, अव्यक्त भी है, माया भी है, अनेक नाम है। तो देखो सज्जनों, ये ओंकार ने ये भगवान के सब सगुण साकार रूप का वर्णन किया, और ओंकार ही अपने आप ही ये अनेक नाम रूप धारण किया, इसलिए सब ओंकार का स्वरूप ही है भगवान के सगुण साकार स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड राम कृष्ण विष्णु के शरीर में ही है। माँ तुझे दिख रहा हो प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम ने बाल काल में कौशल्यांबा को अपने शरीर के अंतर्गत एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, इसलिए सगुण साकार भगवान या कृष्ण के शरीर में ये सारा विश्व ब्रह्मांड आ जाता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये विश्व विराट रूप दिखाया है। एकादश अध्याय में अर्जुन ने देखा और देख करके स्तुति किया, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानीशम कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। हे देवों के देव, हे केशव, हे कृष्ण, तुम्हारे देह में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को मैं देख रहा हूं, और सभी दैत्यों को भी देख रहा हूं, और मनुष्यों का समूह दिखाई पड़ रहा है, और पशु पक्षियों का भी, वन पर्वत सूर्य चंद्र का समूह दिखाई पड़ रहा है, और ऋषियों का समूह दिखाई पड़ रहा है, और दिव्य दिव्य सर्पों का समूह दिखाई पड़ रहा है। माने सारा विश्व विराट तुम्हारे शरीर में ही दिखाई पड़ रहा है। सज्जनों, ये सगुण साकार रूप है भगवान का, ये ओंकार ने ही धारण किया है। एक रूप था ओम, फिर इतने नाम रूप धर लिया, विश्व रूप बन गया ये। अब निर्गुण निराकार रूप को बताता है, कहता है ये तो भगवान का सगुण साकार रूप है, सो ये मेरा ही रूप है, मैं ही भगवान से प्रकट हुआ हूं, मैंने ही भगवान का सगुण साकार रूप धारण किया है। क्योंकि सगुण साकार राम कृष्ण विष्णु आदि तो प्रकट होते हैं ना, तो मैं प्रकट हुआ हूं, मैंने ही अनेक रूप धर लिया, इसलिए सब मेरा ही रूप जानना चाहिए। मुझे ही माया कहते हैं, मुझे ही प्रकृति कहते हैं। अब निर्गुण निराकार स्वरूप देखो, ये मेरे विश्व विराट स्वरूप में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक देवताओं के भीतर, दैत्यों के भीतर, मनुष्य पशु पक्षियों के भीतर, जो भीतर व्यापक है, समाया हुआ है, सब हर नाम रूप में, मक्खी मच्छर में भी, चींटी में, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब में समाया हुआ है, सब में व्यापक होकर और सबको देख रहा है, वह भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। उसका कोई आकार नहीं है, उसको कहते हैं सच्चिदानंदम ब्रह्म।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाणी है, ये ओंकार ही है, उसको अर्थ से बताता है। जो सदा रहता है सो सत है, जो सबको प्रकाशता है देखता है वो चिद है, और अनंत आदि अंत रहित सुख सिंधु है, वही आनंद तो जिससे मैं प्रकट हुआ हूं वो निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। सुसम्य बैठ करके वही देख रहा है, वही जीवात्मा कहा जाता है। सबके भीतर होने से जीवात्मा, और सबके बाहर भी है, तो बाहर रहने से उसी को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म ही जीवात्मा है, ब्रह्म ही परमात्मा है, ये निर्गुण निराकार रूप, क्योंकि दृष्टा का ज्ञान का कोई रूप नहीं होता है। तो जिससे मैं प्रकट हुआ हूं वो निर्गुण निराकार है, सच्चिदानंद ब्रह्म। और बाकी सारे आकार और नाम और रूप मैंने धारण किया, यही भगवान का सगुण साकार रूप। इसलिए जो प्रकट होता है, निर्गुण निराकार से मैं प्रकट हुआ हूं, निर्गुण निराकार में ही रहता हूं, और निर्गुण निराकार में समा जाता हूं, फिर वो सच्चिदानंद स्वरूप केवल ब्रह्म ही रह जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए वो सत है। जैसे एक निर्गुण निराकार अग्नि है, एक सगुण साकार अग्नि है, अग्नि के ही दो रूप हैं, एक दारुगत देखिए एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। एक तो सर्वत्र व्यापक, काष्ठों में व्यापक है अग्नि, देखी एकु, एक देखने में आती, जो व्यापक है वो निर्गुण निराकार, और एक अद्वितीय है। और जो प्रकट है वो अनेक रूप है और देखने में आती है। दो प्रकार की अग्नि है, काष्ठ में, कोयला में, तेल में, बत्ती में, दीपक में, माचिस में, सब में व्यापक है, वो तो एक ही है, उसमें तो भेद नहीं है। और वही अग्नि काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में, दीपक में, तेल बत्ती में, वही प्रकट होती है। अब प्रकट होती है तो सगुण साकार हो गई, उसका गुण उष्ण है, गर्म है, तो ईंधन में, काष्ठ कोयला में उसका गुण मालूम पड़ता है, और दीपक में जब प्रकाश करती है, प्रकट होती है, तो उसका आकार आंखों से देखने में आता है। तो गुण और आकार दोनों प्रकट अग्नि में है, व्यापक में नहीं है। और इसी प्रकट अग्नि से सर्व का व्यवहार चलता है, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सर्दी लगी हो तो इस गर्मी से उष्णता से दूर हो जाती, कच्चा भोजन पक जाता है इसी उष्णता से। और जो आकार है दीपक में प्रकाश, उससे अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, घर का अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये व्यवहार प्रकट अग्नि में होता है, व्यापक अग्नि में नहीं होता है।
यही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती है, और सूर्य की गर्मी से सबको चेतनता आती है, सबकी ठंडी दूर हो जाती है। ये अग्नि ही है तो व्यापक भी अग्नि ही है, अप्रगट भी अग्नि ही है, परंतु जो व्यापक अग्नि है वो नित्य सत्य है, और जो प्रगट अग्नि है वो निर्गुण निराकार अग्नि से सगुण साकार अग्नि प्रकट होती है, फिर निर्गुण निराकार के ही आश्रित रहती है, और फिर निर्गुण निराकार में समा जाती है, क्योंकि संसार के व्यवहार के लिए ही प्रकट भई थी। संसार का काम हो गया, सब लोग भोजन बना लिए खा लिए, अब दीपक की जरूरत तो है नहीं, अब चूल्हे में अग्नि जलने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि रोटी बन गई। तो अग्नि कहती है भाई कि अब तुम्हारा सबका काम हो गया, तुम लोग आंख बंद करके सोओगे तो तुमको तो अब अंधेरे की जरूरत है, मेरे प्रकाश की जरूरत है नहीं, अब मैं जहां से आई थी वहीं जाती हूँ, निर्गुण निराकार से आई थी वहीं समा जाती हूँ। ऐसे ही सूर्य संसार का जब सबका व्यवहार सिद्ध हो गया, सब लोग खा पी चुके, तो सूर्य में प्रकट हुई जो अग्नि है वो भी अपनी व्यापक अग्नि में समा जाती है, क्योंकि सबको आंख बंद करके सोना ही सोना है, अब प्रकाश की आवश्यकता है नहीं। तो सूर्य में, दीपक में, काष्ठ कोयला ईंधन में ये प्रकट अग्नि है, इसी से सब व्यवहार होता है। ऐसे ही ये ओंकार कहता है कि मैं भगवान से प्रकट हुआ हूं, तो व्यापक भगवान है, और मैं प्रकट हुआ हूं तो मैं प्रकट भी भगवान का ही स्वरूप हूं। तो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ बामन वराह नृसिंह ये ईश्वर के शरीरों की रचना मैं करता हूं, जन्म और कर्म, क्योंकि जन्म होगा तो शरीर में ही सब प्रकार का कर्म होगा, व्यवहार होगा, और जीव के जितने शरीर है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्व सूर्य चंद्र, इनका रूप भी मैं ही धारण करता हूं, इनमें भी कर्म होते हैं, बिना शरीर के तो कर्म नहीं हो सकते। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा भी सगुण साकार स्वरूप ये देह इंद्रिय मन बुद्धि के सहित ही है, स्त्री पुरुष पिता पुत्र गुरु शिष्य राजा प्रजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमारा सगुण साकार रूप है, इन्हीं में संसार का व्यवहार होता है, यदि नाम और रूप ना हो तो व्यवहार नहीं हो सकता। तो ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, और जीवों के ये सब शरीर स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सगुण साकार, और इन सब में बैठ करके जो देख रहा है वो निर्गुण निराकार स्वरूप, हमारे तुम्हारे जीवों के शरीर में, हर स्त्री पुरुष में बैठ के जो देख रहा है, पशु पक्षी में बैठ के देख रहा है, वो निर्गुण निराकार स्वरूप। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश ये सगुण साकार, और इनमें बैठ के जो देख रहा है वो निर्गुण निराकार स्वरूप। तो निर्गुण निराकार स्वरूप में भेद नहीं है, क्या ईश्वर के शरीरों के भीतर, क्या जीव के शरीर के भीतर जो दृष्टा साक्षी चेतन ब्रह्म है उसका एकत्व है,
सगुण साकार में ही भेद है। सगुण साकार ईश्वर राम कृष्ण आदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, और जो जीव है वो अपनी इच्छा से शरीर नहीं धारण करता, वो परवश है, ईश्वर के परवश है, और जगत की उत्पत्ति पालन संहार भी नहीं करता ये जीव, वो ईश्वर ही करता है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, ये व्यवहारिक ये बाच्य अर्थ में भेद ही भेद है, इसमें अभेद नहीं होता, ये व्यवहारिक रूप है। परमार्थे अद्वैतम सदा कुर्यात्, जो परमार्थ रूप है, दृष्टा साक्षी चेतन है, उसको तो ईश्वर जीव का एक है, वह अद्वैत ही है। पर व्यवहारे न कदाचन, व्यवहार में अभेद नहीं होता है, भेद ही रहता है। ईश्वर की भक्ति जीव करता है तो ईश्वर निर्गुण निराकार स्वरूप सगुण साकार स्वरूप अपने सभी रूपों को जीव को बता देता है, तो जीव भी अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को जान लेता है। ईश्वर बताता है कि मेरा और तेरा जो वास्तविक स्वरूप है निर्गुण निराकार, जिसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती है, वो एक ही है। ये तो माया में ही भेद होता है, ये ओंकार मेरी माया है, इसने ही जीव का ईश्वर का शरीर बना दिया है, अनेक रूप इसने ओंकार ने धारण किया, यही मेरी प्रकृति। और ये फिर प्रकट होता है, मुझसे प्रकट हुआ है, मुझ में लय हो जाएगा। तो ईश्वर जीव और जगत ये सब मुझसे प्रकट हुए, मुझ में लय हो जाएंगे, उसमें सब एकत्व हो जाएगा। ये लीला है भगवान की, खेल के लिए अनेक रूप धरा है, एक से खेल बने नहीं सजनी, ताते रचो बहुत आई। एक में तो खेल बनता नहीं है, तो लोकवत्तु लीला कई वल्यम, जैसे लोक में कोई राम लीला कृष्ण लीला ये सब लीला करते हैं ना, ऐसे ये सब भगवान का ये सगुण साकार रूप लीला क्षेत्र है। यथा अनेकन रूप नृत्य करे नटकोय, जो जो देश बनावई आप न हो वे सोय। जैसे नाटक में नट अनेक वेश बनाता है, लीला करता है और बस फिर मिटा देता है, फिर आप अकेला ही रह जाता है। ऐसे ही सज्जनों ये भगवान की लीला जानना चाहिए। और लीला शरीरों में जो दृष्टा साक्षी बन के बैठा हुआ है, वो हमारे तुम्हारे जीवात्मा के रूप में बैठ करके देख रहा है, वो निर्गुण निराकार स्वरूप है, इसकी उत्पत्ति नाश होता ही नहीं है। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म ही जानना चाहिए। इन शरीरों को भगवान की माया से प्रकृति से ओंकार से रचित जानना चाहिए, ओंकार का ही स्वरूप माया का ही स्वरूप जानना चाहिए। क्योंकि प्रकट भया है ये, तो फिर भगवान में लीन हो जाएगा, इसलिए ये सत्य नहीं है, भगवान ही सत्य। व्यापक अग्नि सत्य है, प्रकट नहीं, प्रकट तो व्यवहार के लिए है, सदन में रहेगी। धरा को प्रमाण यह तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो अग्नि जलेगी तो वो बुताएगी भी,
जो फल लगेंगे तो झरेंगे भी, जो नवीन कोमल पत्ते ये बसंत ऋतु में आएंगे तो फिर ये पक करके फिर झर जाएंगे। तो संसार वृक्ष का यही हाल है, जो ये शरीर रूपी पत्ते या फल लगते हैं ये पक कर के फिर झर जाते हैं। तो जो उत्पन्न होते हैं तो जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी ध्रुव है। तो क्या ईश्वर के शरीर, क्या जीव के शरीर जन्मते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु होती है। परंतु जिससे ये प्रकट भय हैं सब शरीर ईश्वर के जीव के, वो सच्चिदानंद ब्रह्म एक रस ही रहता है, वही हमारा आपका स्वरूप। ये तो आयमानि भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ते अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म और तत्त्वमसि। वही ब्रह्म जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती, और वही भगवान कहते हैं हे जीव वही तुम्हारा स्वरूप भी। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा भगवान की वाणी से पता लगता है। ये वेद वाणी है, ओंकार ने ही वेद का रूप धारण किया है, वेद का विस्तार ओंकार से ही हुआ है। जो संपूर्ण वेद बताते हैं सोई ओंकार बताता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।